अंदर जाना है सर, अंदर जाना है अयोध्या के लिए सर। नहीं मैं तो अयोध्या जा रहा हूँ। अयोध्या तो नहीं जा पाऊंगा। कैसे सर? बाइक पर जाइए। मैडम से बात हो गई है। गाइस देखिए कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है यार। तो आप देख सकते हैं दिस इज गंगा रिवर। कितना खूबसूरत आकाश देखने को मिल रहा है हमें अयोध्या का। राम 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 राम। खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं आज पहले दिन अयोध्या नगरी में पहुंच। मॉर्निंग एवरीबॉडी, अभी मॉर्निंग के 8:30 के आसपास टाइम हो रहा है और हम उठ चुके हैं। इस टेंट का मेरा पहला एक्सपीरियंस था एंड देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है सेटअप। एंड मैंने ये जगह चूज की, देखो वहां तक आते हैं टूरिस्ट एंड इधर है ट्रक। तो मैंने ना इधर पीछे से एक रास्ता आ रहा था ये ऐसा करके, तो इधर ट्रक खड़े आगे चल के, तो ऐसे रेस्ट एरिया था जहाँ मैंने ये कैंप सेटअप किया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है अपना सेटअप। एंड इस सेटअप के साथ अपनी अच्छे से मॉर्निंग हो चुकी है। मैं रात ऑलमोस्ट 12:30 के आसपास सो गया था एंड 8:30 बजे उठ गया हूँ, तो करीब 8 घंटे की नींद भी पूरी हो गई है। इसको पैक करना काफी आसान है। अभी इसकी ये रस्सी है, इसको खींचेगे तो ये यहाँ हाइड्रोलिक्स है, ये फोल्ड हो जाएगा बहुत जल्दी। आपको दिखाता हूँ मैं, ये रस्सी इसलिए दी गई है कि आपको ऊपर चढ़ने की नींद नहीं है, धीरे धीरे करके इसको नीचे की तरफ खींचना पड़ता है। इसमें एयर काफी भरी हुई है तो एयर निकलेगी एंड थोड़ा सा कपड़ा बाहर रह जाता है, ज्यादा नहीं रहता, थोड़ा सा रहता है, और वो हाथ से अंदर कर दो हो जाता है पैक। पैक करना काफी आसान है, लेकिन सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी स्टार्ट करके रख देते हैं। सुबह सुबह थोड़ा सा ना मॉर्निंग में स्टार्ट होना बहुत जरूरी है। अब 2 मिनट में स्टैंड को पैक कर दूंगा और 2-4 मिनट गाड़ी स्टार्ट रह जाएगी, उसके बाद निकलेंगे आगे। उधर कहीं वॉशरूम बने हुए हैं, बहुत बढ़िया बने हुए, वहां से फ्रेश एंड अप होंगे फिर निकलेंगे। देखो फोक कितना है, वो कल वहां घूम रहा था, वो चीज अभी दिख भी नहीं रही है। गाइस देखिए कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है यार, ये मतलब पिलर्स भी नहीं दिख रहे हैं जो बराबर में लगे हुए हैं। बहुत तगड़ा फोक चढ़ा हुआ है, देख सकते हैं आप, बहुत तगड़ी खतरनाक धुंध है। और ऐसी धुंध के साथ में मैं आगे जा रहा हूँ अयोध्या की तरफ श्री राम मंदिर के लिए। जल्दी तो नहीं होगी, कम से कम 12-1 बजे 2 बजे तक जाके थोड़ा कम हो सकती है, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा धुंध। देखिए ये सारे अनार मैंने काटे हैं, 2 अनार ठंडी ठंडी में मॉर्निंग में, अभी आज का ब्रेकफास्ट यही रहेगा। अभी अनार खाते हैं, थोड़ा फ्रूट खाएंगे तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। वैसे ठंडी बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे खाते रहेंगे, धीरे धीरे ड्राइव करते रहेंगे। रेस्ट एरिया आया है इस बार मेन रोड से हटके, करीब 100 किलोमीटर प्लस जाके आया है ये। यहाँ सारी के सारी फूड कोर्ट बिल्कुल सिमिलर है, दोनों के दोनों एक जैसी है। पीछे वाले में रुका वो भी ऐसी सेम टू सेम बिल्डिंग थी, सेम टू सेम वहाँ पे चीजें थी, यहाँ भी सेम टू सेम चीजें। ऐसा लगता नहीं है कि मैं उसी में था या इसी में हूँ। कोड बना हुआ है, यहाँ आया हूँ, मैं परोंठा ऑर्डर किया, एक चाय ऑर्डर की है। तो गाइस परोंठे का रेट इतना हाई, ऊपर से इसको बनाया तेल में, यार मैं तेल वाले परोंठे खाता ही नहीं हूँ, इसमें दूर से स्मेल आ रही है, लेकिन थोड़ा तो खाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत खाते, क्योंकि आगे इसके बाद में फिर से रेस्ट एरिया आएगा नहीं बहुत देर तक। और भी बड़ी आराम से खाना पीना हो गया है, एक परोंठा विद चाय, ज़्यादा कुछ लिया नहीं। मॉर्निंग क्या भूख लग गई थी एंड चाय की भी नीड थी, तो खाना पीना हो गया। अभी ब्रेक नहीं लेना है, अभी अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं एंड कहीं नहाने का ऑप्शन देखेंगे, कहीं मिलेगा तो, अभी तो ऑप्शन है नहीं नहाने का। भैया मिले अपने को, ही इज फ्रॉम ग्वालियर मध्य प्रदेश और ये पैदल यात्रा कर रहे हैं ग्वालियर टू अयोध्या के लिए। मैं पूरे भारत यात्रा कर रहा हूँ, 100 डेज ऑफ सफर रहा हूँ। कल एक स्टे लिया था बस, आज पहुंच जाएंगे भाई थोड़ी सी देर में। तो काफी जगह जाके आया हूँ मैं, बाकी मिलकर बढ़िया लगा। आप कर रहे हो जय श्री राम, जय श्री राम भाई। ये जियो का बंपर रिलायंस का, तो इनसे टैंक में कुछ डीजल डलवा रहा हूँ, मेरे पास कैश खत्म हो गया, ओनली 2000 रुपीज है। लो भाई टिकट, ऑलमोस्ट वैसे गाड़ी में काफी ऑयल पड़ा है अभी भी। ये जो फोगी फोगी सा दिख रहा है ना, ये गंगा नदी है, आप देख सकते हैं जो उत्तराखंड हरिद्वार से होते हुए आती है ना, जो आगे यूपी से होके निकल रही है, तो आप देख सकते हैं दिस इज गंगा रिवर। जब मैं गया था बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ, तब हमने गंगा का संगम देखा था, तो वो सारी चीजें देखी थी इसी 100 डेज के दौरान। उसी दौरान ये रिवर आई है गंगा, अभी जो उत्तर प्रदेश से होते हुए आगे जा रही है। देखो
कितना शानदार लग रहा है। उस तरफ भी है, उस तरफ भी कुछ पानी है, वहां भी पानी है, और ये देखिए इस तरफ भी काफी सारा पानी है। तो ये है गंगा नदी ओपन में बहती हुई, कितनी शानदार लगती है। लुक एट दिस, अयोध्या के लिए ये एक साइकिल सवार जा रहा है। साइकिल सवार दिख रहे हैं, पैदल यात्रा वाले दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं रोड के दौरान। तो बहुत अच्छी बात है यार, भगवान श्री राम के अयोध्या पावन नगरी में लोग पहुंच रहे हैं, बहुत पहुंच रहे हैं, और अपने भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज वक्त रहते जाएंगे तो मत्था टेकेंगे, आराम से दर्शन करेंगे भगवान श्री राम के, और अभी नाना धोना करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे, इंडियन ड्रेस में आएंगे, फिर जाएंगे। ये देखिए ट्रक इतने सारे कैसे खड़े हैं भैया जी, समझ नहीं आ रहा इतने इतने ट्रक कैसे खड़े हैं, बहुत लंबे चौड़े खड़े हैं भाई साहब, बहुत ही लंबे चौड़े। ये किस वजह से हो सकते हैं, रीजन नहीं पता। तो भैया यूपी पुलिस ने रोक लिया है, थोड़ा चल के आते हैं एक बार, लाइसेंस रख लिया, चलान करेंगे शायद, एक बार देखते हैं क्या रहेगा, कहते मॉडिफिकेशन है ये। एवरीबॉडी, ये कोई ऐसे ही हवी पुलिस ने रोका, कहता ये कैरियर एंड टेंट वेंट्स ये सब अलाउड नहीं है, ये नहीं है। तो अभी मैं पहली बार किसी ने रोका है अपने को इस पूरे रूट के दौरान ये, तो थोड़ा सा मैंने इनसे तरीके से बात की तो हो गया सेटल्ड सिस्टम है भाई। बड़ी बत्ती है ये, आप देख सकते हैं बहुत ही लंबा चौड़ा जाम लगा हुआ है इस लखनऊ में, लखनऊ के बाईपास कह लो या कुछ भी कह लो, लखनऊ के आसपास हूं मैं। एंड ये देखिए ऊपर जय श्री राम। गाइस यार देखो यार कितना डेवलप है अपना लखनऊ, अरे ब्लर कैसे हो गया, ये देखो बिल्डिंग से बिल्डिंग्स है, लेफ्ट राइट हर तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, और लखनऊ शहर से होते हुए मैं आगे जा रहा हूँ। और ये शायद स्टेडियम होना चाहिए इस तरफ, क्रिकेट स्टेडियम में भी। आज थोड़ी भगदड़ हो गई वहाँ पे, एंड उसके चक्कर में थोड़ा अयोध्या शहर बंद कर दिया गया, दोबारा से एंट्री बंद कर दी गई है। तो एक बार वहां चल के देखेंगे क्या व्यवस्था है, हमें एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है, वो वहां चल के पता चलेगा। एंड काफी बड़ा नाका है, और यहाँ से करीब 103 किलोमीटर दूर है अयोध्या वीवी। ओ भैया जाने नहीं दे रहे यार, कोई और रास्ता है क्या इधर से, इधर से कोई और रास्ता है सर? हाँ हाँ गोरखपुर है ना। नहीं मैं तो अयोध्या जा रहा हूँ। अयोध्या तो नहीं जा पाऊंगा। कैसे सर? बाइक पे जाइए, चौक हो गया आगे लिख जाके, आगे से बाएं लेफ्ट लेफ्ट जाइए, बाइक पे जाइए। ओहो गाइस ये नाका लगा हुआ है कि आगे जाने ही नहीं दे रहे हैं, कहता अयोध्या की तरफ नहीं जाना और इधर ही किधर रुक जाओ। यार ये तो बहुत गलत बात हो गई, क्योंकि पीछे भी बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है, वहां से आके जाने नहीं दे रहे हैं, इधर कहते वापस टर्न लेके लखनऊ चले जाओ, तो ये तो यार एक प्रॉब्लम ही होगी। एक बार यार फिर भी रिक्वेस्ट करके देखते हैं कि अगर बात बनती है तो। कितनी ज्यादा भीड़ हो रखी है, एंड भीड़ में फंसे हुए हम अभी। ओहो शीशे टकरा गए यार, क्या कर रहे हो जी, देख के चलो। जी मैम नहीं सर, अंदर जाना है सर, अंदर जाना है अयोध्या के लिए सर, कोई ऑप्शन है ही नहीं जाने का आगे। ये रिपोर्टर आए बैठे हैं, बस इन्हीं के व्हीकल्स लोकल व्हीकल को जाने दे रहे हैं। देख कितना जाम है, एंड इधर भी मैंने अपनी गाड़ी वहाँ कहीं लगा के आया हूँ, एंड मैडम से बात करनी पड़ेगी, ये अभी छोड़ ही नहीं रहे अयोध्या जाने वालों को, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैंने सोचा रिक्वेस्ट करके देखते हैं सीयू मैम, तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं हो रहा जाने का, सिर्फ लोकल्स को जाने दे रहे हैं। तो गाइस अपने को मिल गई है परमिशन जाने की, कहते हैं अपना सफरनामा पूरा करो जाके, तो जल्दी से निकलते हैं। यहाँ से निकलने की परमिशन दे दी गई है, तो धीरे से करके निकलते हैं। मैडम से बात हो गई है, हाँ वो बोले कोई नहीं जाओ इधर से ले लो, ठीक है। तो एवरीबॉडी मेरे को परमिशन मिल गई है, मैं फाइनली वहां से थार अपनी निकाल के आ गया हूँ फटाफट से, जैसे ही बोला ना जाओ तो निकल गए हैं। वैसे क्या हुआ कि यहाँ ना लोग अप्रोच लगा रहे थे एमएलए की, मतलब बड़े बड़े ऑफिसर्स की अप्रोचेस लग रही थी, लेकिन नहीं जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, बिकॉज अयोध्या में जगह ही नहीं है। तो मैंने उनसे सीईओ मैम थी जो काफी गुस्से वाली थी, तो मैंने बात करने का पहले से थोड़ा लग रहा था कि यार कहीं डांट वांट ना दे, फिर मैंने हिम्मत जुटा के उनसे बात की, मैम ऐसा है कि मैं यूट्यूबर हूँ एंड 100 दिन की यात्रा पे निकला हुआ हूँ, पूरा ऑल इंडिया ट्रैवल का सोचा है मैंने, तो अभी मैं मेरे थोड़े से दिन बचते हैं और मैं अयोध्या के बहुत नियर हूँ, अगर आप मुझे जाने दोगे तो मेरी गाड़ी के ऊपर टेंट लगा, मैं 2 दिन स्टे कर लूंगा उस टेंट के अंदर,
तो मैडम बोली कि चलो ठीक है फिर तुम जाओ और अपना सफरनामा पूरा करो। तो सीओ मैम ने अपने को परमिशन दे दी है, फाइनली अपने निकल चुके हैं यहाँ से। तो बहुत बढ़िया लग रहा है, अभी तो ये 101 किलोमीटर दूर है, तो जैसे करके अपने को जितना दूर जाने की अनुमति मिलती है अपने निकल। बनवा रहे हैं बर्गर टेस्टी सा, वो अपनी गाड़ी खड़ी है, पता नहीं कहाँ है, रास्ते में है अभी, एंड बर्गर खाने की तैयारी है भाई, क्या करें, भूख बोल लगी और ये कम ऑयली होगा। बर्गर रेडी है और अभी जल्दी से पेट भरते हैं पहले, फिर आगे निकलेंगे। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसे छोटे से टाउन में इतना अच्छा बर्गर मिल जाएगा, सीरियसली वेरी टेस्टी, मजा आ गया यार खा के, बहुत ही टेस्टी था। अंदर पनीर एंड वेजिटेबल की स्टफिंग, उसके अलावा चीज डाली, उसके अलावा सॉस वोस, यार बहुत बढ़िया बनाया यार, ओवरऑल बहुत बढ़िया बनाया, टिक्की बहुत सारी चीजें नहीं मिली। ढाबा मिला, यहाँ से चाय बनवा रहा हूँ यार, चाय बनवाई है सिंपल, इससे पहले मैंने बर्गर तो खा ही लिया था, एंड वो अपनी गाड़ी खड़ी है। तो गाइस फिर से नाका आ गया है, एंड ये भी एक समस्या है, तो इसे कितने नाके आएंगे यार, एक बार बात करके देखते हैं, क्या पता बात बन जाए, एक बार सर से बात करता हूँ, कहके देखता हूँ। सर वो सीओ मैडम से बात करके ही निकला हूँ, मैंने उनको बोला मैं 100 दिन की यात्रा पे हूँ, मैं सर पूरी भारत की यात्रा पे हूँ अभी, 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 अभी अभी मैं वाया दिल्ली होते हुए रहने वाला राजस्थान से, वो भी उस कॉर्नर से जो पंजाब नहीं, मैडम बोली कि आप जाओ 5-6 दिन बचे पूरे कर जाकर आराम से, अभी उनसे परमिशन लिया है। सीओ मैडम, हाँ सीओ मैडम जो वहाँ पे माइक लेके खड़े हैं, थैंक यू। तो भाई यार बात बन गई है यहाँ भी मैडम का नाम लेने से, होपफुली आगे भी बन जाए। एवरीबॉडी एक और नाका आया था अभी जस्ट, एंड थोड़ी सी बात हुई, मैं पिछली बार तो उनको बोल दिया था कि सीओ मैडम ने जाने दिया है, इस बार तो उन्होंने ज्यादा बात सुनी नहीं, गाड़ी को देखा थोड़ा सा बाहर से ही, एंड बोले कहाँ से आए हो, मैं राजस्थान ऑलरेडी ट्रेवल पे हूँ, कहता अच्छा ठीक है इनको जाने दो। लिटरली गाइस बहुत अच्छा लग रहा है भाई, यूट्यूब से कितना मेरे को बेनिफिट मिल रहा है। अयोध्या नगरी से पहले ही बहुत ही शानदार माहौल है, देखो घरों पे कैसे भगवे झंडे लहरा रहे हैं, बिल्कुल देखो पूरे रास्ते फूलों की माला है, अयोध्या नगरी में कितना खूबसूरत आकाश देखने को मिल रहा है हमें, अयोध्या का बहुत ही शानदार और गजब का माहौल है, देखिए किस तरीके से फूलों की मालाओं से सजाया हुआ है अयोध्या नगरी को, और लाइटिंग के साथ में बड़ा ही खूबसूरत फील आ रहा है यहाँ पे। तो जूम करके दिखाता हूँ आपको, पूरी फ्लावर्स की माला लगी हुई है यहाँ पे अयोध्या पहुँचने से पहले, 11 किलोमीटर पहले। सोचने वाली बात है, इतनी लंबी माला बनाने के लिए कम से कम कितने ट्रक भर भर के फूल इकट्ठे किए गए होंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से कितने भर भर के ट्रक आए होंगे इतनी माला बड़ी बनाने के लिए। और ये देखो हर घर के ऊपर भगवा कलर का स्तंभ लहरा रहा है, भगवा कलर के झंडे लहरा रहे हैं। राम राम राम, फ्लावर्स से राम बनाया गया है यार, राम 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 राम, राम की फोटोज, और ये देखिए राम 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 राम, कितना शानदार बना रखा है, राम का परचम लहरा रहा है। मैं खुद को बहुत ही प्राउड फील कर पा रहा हूँ, खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं आज पहले दिन अयोध्या नगरी में पहुंच पाया। सर जी मंदिर इधर ही होगा, ठीक है थैंक यू। यार रेलवे सेवाएं वगैरह सब कुछ अवेलेबल है इस जगह पे, और क्या जबरदस्त लग रहा है, रात के टाइम में तो ये और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। मंदिर मंदिर मंदिर, तो गाड़ी इधर जाए या इधर, ठीक। पार्किंग किधर रहेगी सर, सर पार्किंग 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 कहाँ रहेगी, पुल के नीचे दाहिने हाथ पे, ठीक। तो ये अंदर गाड़ी लेके नहीं जाने दे रहे हैं, वैसे भी सही बात है यार, अंदर गाड़ी लेके जाएंगे तो भीड़ ही करेंगे, क्या फायदा है। नीचे तो अभी तक काम ही चल रहा है, ये देखो ऊपर से बिल्कुल नीचे तक काम चल रहा है, एंड ये एक चीज आपने नोट की, इस ब्रिज के ऊपर से मैं निकल के आया हूँ अभी, और ये वही ब्रिज है, ऊपर से तो रोड चला दी, तो नीचे से अभी तक इस ब्रिज का काम ही चल रहा है, आप देख सकते हो ये वाला तो पूरा काम चल रहा है, ये देखो आप पूरा काम चल रहा है इसमें, अभी तक नीचे लग रहा है, ऊपर से रोड बनाई गई है, एंड लोग जा भी रहे हैं, बहुत भीड़ है, कम से कम 30,000 लोगों की भीड़ है। तो अभी तो वैसे भी 7 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, तो कहते कोई पहले तो कोई गाड़ी वाड़ी पार्क करो आप तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो पार्किंग वार्किंग बताइए। तो गाइज मैं पहले स्टे का देखता हूँ, पार्किंग वार्किंग कहाँ करनी है हमें गाड़ी की, उसके बाद कल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आके मंदिर में मत्था टेक के जाऊंगा।
अभी जाऊंगा तो मंदिर तो बंद हो जाएगा, लेकिन बाहर से जरूर देख सकते हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है मंदिर, एंड अंदर व्हीकल अलाउड नहीं है। ये रूम लिया है अयोध्या में, ये वाला रूम मिल गया हमें। इधर मैंने थोड़ा बहुत सामान रख लिया अपना जो इधर स्पेस था इसमें। इधर अलमीरा भी बनी हुई है, टीवी भी चल रहा है, और ये तुम्हारा भाई है। एग्जैक्टली हुआ क्या है कि मेरे को ये रूम पड़ा है 1500 रुपीज, बहुत छोटा सा रूम है, 1500 रुपये में पड़ा है, क्योंकि इधर टूरिस्ट की काफ़ी भीड़ आ रही है। एंड वन मोर थिंग, अभी मैं अपनी गाड़ी भी नीचे बढ़िया पार्क कर चुका हूँ, सबसे बढ़िया मैं यहाँ पे कैंप कर सकता था, लेकिन मैं आज नहाया नहीं हूँ। भाई आज का मेरा इसलिए ज़्यादा जरूरी हो गया था रूम लेना, क्योंकि कल मंदिर जाना है, वो भी इतने बड़े मंदिर में, तो यार नहाना बहुत ज़रूरी है। अभी तो मंदिर बंद हो गया है, कम से कम का तो 30,000 के आसपास लोगों की संख्या है, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, एक्सट्रीम भीड़ है। तो आज का डिनर अयोध्या में।